आप किसी भी स्टूडेंट को उठाइए और आप बोल सकते हैं उनको कि उठा करके आप आइए, मिनिमम आप 30,000-40,000 रुपए महीने का कमा सकते। पावर ऐसी है, ठीक है ना, इसको निकालेंगे और रिवॉल्व करके इसमें ये पावर एसी का क्या काम। अभी देख सकते हैं आईसी बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिरकार ये जो सेट है ये ऑन हो रहा है या नहीं। ये देखिए क्या बात है, इन्होंने सेट ऑन कर दिया है। मुझसे ये इन्होंने मांगा था 6 से 7 मिनट, लेकिन 5 मिनट के अंदर इन्होंने ये सेट ऑन कर दिया। हमारा ऑनलाइन भी प्रोसेस चालू हो गया है। अच्छा, ऑनलाइन प्रोसेस वो 25 तारीख से स्टार्ट होगा। क्या बात, मतलब नवीन सर हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? बहुत अच्छा, आपको नमस्कार और आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार जी। सर पिछली बार वीडियो से हम लोग चैलेंज करना शुरू किए हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार क्या नए वीडियो में रहने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हमें देखिए। क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया लेवल पे, क्योंकि हम इंडिया लेवल की बात करते हैं जी, और चूँकि मेरे पास स्टूडेंट भी बिहार से, आसाम से, कोलकाता से, इधर आपका गोंडा, लखनऊ और आगे से भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा, तो इंडिया लेवल की बात हम करें तो इंडिया लेवल पे जो भी इंस्टीट्यूट है वो चैलेंजिंग लेवल नहीं ले पा रहा है। कारण है भाई, चैलेंजिंग लेवल लेने के लिए आपको स्टूडेंट को बैठाना पड़ेगा और 15 डेज में उनको आईसी लेवल पे ट्रेन करना पड़ेगा, तभी आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और बच्चों को बैठा के कॉन्फिडेंस से एक ऑन सेट को देंगे और बोलेंगे कि इसकी इसको डेट करो, आईसीज निकालो और मेरे सामने आईसीज लगा के सेट को ऑन करो। बड़ा चैलेंज है, आईसीज निकालना लगाना परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। और मैं हर वीडियोस में नितेश जी आपके कहता हूँ, आपके व्यूवर्स को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर बार ये बात कहता हूँ कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं एटलीस्ट उनको हैंड स्किल इस लेवल पे दे देता हूँ मैं कि वो लाइफ टाइम आईसीज को निकालना लगाना परफेक्ट तरीके से सीख लेंगे कि कभी कोई परेशानी उनको लाइफ नहीं आने वाली। अच्छा अच्छा जी, तो कुछ ऐसा ही आज का भी वीडियो होने वाला है जिसमें स्टूडेंट के साथ चैलेंज होगा। बिल्कुल, हम आप किसी भी स्टूडेंट को उठाइए और आप बोल सकते हैं उनको कि उठा करके आप आइए और मेरे सामने दिखाइए, मैं वहाँ पर कोई आपसे ऑब्जेक्शंस नहीं करने जा रहा। क्योंकि हम ज़्यादा बोलते हैं हर बार वीडियोस में, इसके पहले के पहले वीडियो में हम बोलते थे, बच्चे हमारे कहने पे आते थे, सीखते थे, 100% उनको रिजल्ट मिलता था, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स भी देखें, आपके व्यूवर्स देखें और समझे कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल है, जो आप दिखाते हो ट्रस्ट करके दिखाते हो, जितनी मार्केटिंग की व्यूज़ और जो भी आप वीडियोस बनाते हो वो ट्रस्टेड वीडियोस होते हैं, कभी कोई फेक वीडियोस नहीं होता है। स्कैमर्स तो हर जगह होते हैं, स्कैमर्स कभी भी कुछ भी डाल देते हैं और उसको स्कैम करने की कोशिश, चाहे हमारे जो भी अपोजिट लोग हैं वो भी कुछ करते हैं, तो उस चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप भरोसा करते हैं नितेश जी पे और नितेश जी के चैनल पे, चूँकि लगातार नितेश जी हमसे जुड़े हुए हैं और जानते हैं, यहाँ पर जब भी आते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स ही उनको रिव्यू देते हैं, हमारे ओरिजिनल स्टूडेंट्स उनको रिव्यू देते हैं, ओरिजिनल स्टूडेंट रिव्यू देने के बाद यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल, इसीलिए हमने चालू कर दिया कि भाई अगर स्टूडेंट रिव्यू दे रहा है तो काम भी करो, काम भी करो, क्यों नहीं करोगे काम। अगर आप परफेक्ट सीखे हो सिर्फ बोल कर चले जाना नहीं ठीक है, आप अगर काम सीखे हो तो काम सामने करके दिखाओ, करके दिखाओ, ये चैलेंज है। ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहा है, अगर 15 डेज में मैं उनको परफेक्ट बना रहा हूँ तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आप भी आइए और अगर आपको भी आगे बढ़ना है, आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है और एक इनकम का जरिया बनाना है, अगर खुद के पैर पे स्टैंड होना है, खुद के हाथों को मजबूत करना है तो जुड़िए। हमारा जिम्मेदारी है आपको टेक्निकल स्किल इतना देंगे कि आप महीने का 30,000 से 40,000 रुपये महीने के कभी मोहताज नहीं होंगे, मिनिमम आप 30,000 से 40,000 रुपये महीने का कमा सकते हैं। क्या बात है, तो डायरेक्ट सर हम लोग शुरुआत करते हैं क्योंकि आज बातें कम करना है, चैलेंज की बात है, तो डायरेक्ट हम लोग चैलेंज पे चलेंगे। बिल्कुल, हम चैलेंज पे चलेंगे, चैलेंज लेने के बाद हम बाद में रिव्यूज थोड़े बच्चों के ले लेंगे। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार में वेस्ट चंपारण से। अच्छा, चंपारण से जी। जो आज का चैलेंज रहने वाला है वो आपको एक्सेप्ट है? क्या चैलेंज है वो बताइए पहले। आईसी को सेट को ऑन करना, उसके बाद उसमें से आईसी निकाल के रीड करेंगे, रीड करके फिर ऑन करके दिखाएंगे। जी जी। अच्छा, कितना दिन हुआ आप यहाँ से जुड़कर सीख रहे हैं? यहाँ पे हमको 13 दिन हुआ। 13 दिन से? मात्र 13 दिन? 13 दिन के अंदर आपने ये जो चैलेंज है एक्सेप्ट कर लिया? अच्छा, तो कितने मिनट के अंदर ये जो चैलेंज आपको करके दिखाने वाले? 5 से 7 मिनट के अंदर। 5 से 7 मिनट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं स्टूडेंट पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बोला है, मात्र 13 दिन हुआ इनको यहाँ पर जुड़े हुए, 13 दिन से ये सीख रहे हैं और आज की वीडियो में ये आईसी
निकाल कर लगाएंगे और फिर लगाकर फिर निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट कैमरे को जो है आईसी पे फोकस करते हैं, फोन को ऑन करके ये दिखाने वाले हैं, टोटली डिटेल बताएंगे और कैसे कैसे ये कर रहे हैं ये सारी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट मोबाइल को भी सेट को हाथ में ले लिए हैं। कौन सा सेट है ये? फाइव पे है। अच्छा, अब देखिए ये सेट ऑन है, आपके सामने ऑन है और इसको आप अभी डेट करने वाले हैं। जी शुरू करते हैं सर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रक्रिया है चालू हो गई है, मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर ये जो आईसी को रिवॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद से आईसी को लगा के सेट को ऑन करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सेट को डेड करने का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले ये इसका बैटरी निकालेंगे, क्यों ये देखिए इसका बैटरी निकाल दिए हैं। बैटरी निकालने के बाद से ये अभी क्या निकालने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताते रहिए। ऑन ऑफ पत्ता, ठीक है ना, डिस्प्ले पत्ता है, चार्जिंग पत्ता है, एक टच पत्ता है। अच्छा, मान लीजिए इसके पहले आप कुछ करते थे इसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज था कि नहीं था आपको? नहीं, अभी तो इसलिए हम काम नहीं करते थे, ठीक है ना, लेकिन अभी यहाँ पे आया था इसलिए मेरा काम मालूम चला है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पर जो काम है वो शुरू कर दिए हैं। अब किस तरह से ये आईसी को रिवॉल्व करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये माइक्रोस्कोप के द्वारा देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पावर आईसी है, ठीक है ना, इसको निकालेंगे और रिवॉल्व करके इसमें लगा। ये पावर आईसी का क्या काम होता है? पावर आईसी सभी आईसी को वोल्टेज देती है। अच्छा, जी मोबाइल के अंदर सभी आईसी को वोल्टेज देने का काम करती है, ठीक है। शुरू करते हैं इसको 330 पर रखेंगे। अच्छा, ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा फ्री हीट देंगे इस पर आईसी पे, फिर हीट देने के बाद में थोड़ा इसमें पेस्ट लगाएंगे। अच्छा, ये हल्का सा हीट दिए हैं? जी। उसके बाद में पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने से क्या होगा? पेस्ट जो लगा रहे हैं पेस्ट आईसी के अंदर जाएगा और हीट होगा। अच्छा, जी ठीक है, पेस्ट लगाना। फिर असेंबली उठा रहे हैं और ऐसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट निकालने के बाद से जो हल्का सा हीट किया जाएगा फिर आईसी जो है बहुत आराम से निकल जाएगा, क्यों आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से आईसी को निकालने का काम हुआ है। ये आईसी जो है निकल गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या किया जाएगा सर? इसको रिवॉल्विंग किया जाएगा। दोस्तों ये आईसी देखिए कितनी छोटी आईसी है मोबाइल के अंदर, जो कि मोबाइल के अंदर जितने भी पार्ट्स है उसको वोल्टेज देने का काम करती है, इतनी छोटी सी चीज। अब इसका जो बैक साइड है वो बैक साइड कर ली है, अब इसमें आगे का क्या काम करेंगे वो बताइए। रिवॉल्विंग का काम करेंगे, इसके बॉल को बनाया जाएगा। अच्छा, जी उसके बाद में बोर्ड के बॉल्स को ठीक किया जाएगा, साफ किया जाएगा, उसके बाद में लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ प्रक्रिया हो रही है, ये इतनी छोटी आईसी आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आईसी है, ठीक है। अब इस आईसी पे किस तरह से काम करेंगे वो हम लोग देखते हैं। रंगा को डिसोल्डिंग करने का काम करता है, हटाने का काम करता है। अच्छा अच्छा, जी इससे क्या हुआ? इसे इसको साफ किया जाएगा। इसके बॉल को क्लीन कर दिया गया है। अच्छा, ये बॉल पे अभी क्या डाले हैं? अभी जो है थिनर है। अच्छा, इस बॉल के पेस्ट को साफ कर रहे हैं। ये इसमें कचरा होगा सब हट जाएगा। तो देखिए ये जो आईसी में जो बैक साइड का बॉल रहता है उसको साफ करने का काम किया जा रहा है। जी ये देखिए अच्छा, इसको साफ करने के बाद से मोबाइल के अंदर किस तरह से ये वर्क करना शुरू करेगा? तब साफ करने के बाद से नहीं, इसको रिवॉल्व किया जाएगा। अच्छा, रिवॉल्व करने के बाद से ये वर्क करेगा। क्या काम करता है? पावर आईसी सप्लाई पे, सभी आईसी को सप्लाई देता है। अच्छा, पावर आईसी सभी चीज़ों को सप्लाई देता है। जी तो देखिए ये आईसी देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर आपको बड़ा ये जो इतनी छोटी सी आईसी है वो आपको कितना बड़ा दिख रही है स्क्रीन पर। अभी ये जो कार्ड लिए हाथ में इसका क्या काम है? स्टेंसिल है, ये रिवॉल्विंग इसके बॉल को बनाने के लिए। अच्छा, किया जाता है। जी ये तो साइज होगा ना अलग अलग इसमें भी। सब ऐसी इसका वाला साइज है। देखिए इसको मिलाया जाएगा कि हाँ कौन सा जाली किस आईसी के लिए परफेक्ट है। अच्छा,
उसके बाद तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मिलाया जा रहा है, इधर देखिए, तो आप देख सकते हैं। ये कैसे पता करेंगे कि ये जो है जारी मिल रहा है? टोटल जो पिन है वो चमकने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जाली का पता तभी होगा जब ये जो आपका जो साइड साइड में सिल्वर कलर का चमकने लगेगा। ठीक है, अभी आगे क्या प्रक्रिया करेंगे इसमें? पीपीडी निकालेंगे और इसमें भरेंगे। अच्छा, तो भी देख सकते हैं मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट हुआ होगा और ये आईसी का जो काम है आधा से ऊपर कंप्लीट हो चुका है। ये चीज क्या कर रहे हैं? पीपीडी लगा रहे हैं। अच्छा, जिससे इसके बॉल ऊपर आएंगे। अच्छा, ये जो बॉल है ऊपर आ जाएगा। जी जी जी। इससे क्या अभी क्या कर रहे हैं? इससे हीट इसको कर रहे हैं। अच्छा, जिससे इसका बॉल बनेगा। तो ये जो हीट कर रहे हैं उससे क्या होगा? इससे इसका बॉल बनकर तैयार होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो लगाए थे उसके बाद से हीट करने के बाद से जो बॉल है साफ साफ दिखाई देने लगे। जी जी जी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ये कितने मिनट तक अभी ऐसा रहने देंगे? तो ठंडा होने तक। अच्छा, ये ठंडा होने के लिए अभी छोड़े हैं। जी जी। तो ठंडा होने के लिए कितने सेकंड तक छोड़ेंगे ऐसे? वही 30 सेकंड। अच्छा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो आईसी से सारा काम करने के बाद से 30 सेकंड तक इसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ा गया है। और जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसमें क्या करेंगे? इसमें टेस्ट लगाएगा, थोड़ा प्री हीट मारेंगे। अच्छा जी, ठीक है। तो ये लगभग सर ठंडा हो चुका है। ठीक है, अब ये क्या लगा रहे हैं? पेस्ट लगा रहे हैं। अच्छा, पेस्ट। पेस्ट से क्या होगा इसे? इसे थोड़ा इसका बॉल जो है और अच्छा से बनेगा। ये देख सकते हैं। तो भी हमको लगता होगा मुश्किल से 3-3.5 मिनट हुए होंगे अभी आपको। जी जी। और ये लगभग लगभग सारा काम हो गया है क्या? जी जी, अभी थोड़ा सा उसको साफ कर रहे हैं बोर्ड को। अच्छा, हाँ। तो ये देखिए बहुत थोड़ा बहुत इसमें काम बचा हुआ है, बाकी लगभग लगभग सारी चीज़ें ये हो गई हैं। अभी देखिए ये सफाई होने का काम चल रहा है और ये देखिए ये जो बॉल्स हैं ये दिख रहे हैं पूरी तरह। ये आईसी का जो काम है वो हो चुका है। ठीक है जी जी। अब इसके आगे क्या करेंगे आप? इसको क्लीन करेंगे। अच्छा, अभी क्लीन करने का काम है। ठीक है, आईसी रिवॉल्व के बाद अभी क्लीन होने का काम हो रहा है। फिर उसके बाद से इसके डैशबोर्ड पर लग जाएगा? नहीं, डैशबोर्ड पर नहीं लगा, उसको भी क्लीन किया जाएगा। अच्छा, उसको भी अभी क्लीन किया जाएगा। जी, अभी देख सकते हैं आईसी बाहर निकला हुआ है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिरकार ये जो सेट है ये ऑन हो रहा है या नहीं। दोनों को हम चार्ज में लगाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल सेट सही है और ये जो सेट है जिसमें से आईसी निकाल लिया गया है इसमें भी हम बैटरी वगैरह सब कुछ लगा के देखेंगे बट आईसी नहीं रहेगा। तो उसमें बस ये हम चेक करके आपको दिखाने का काम करेंगे कि सेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। थोड़ा सा दिखाइए, दिखाइए। देखते हैं ये जो है इसका डैशबोर्ड है, इसमें से आईसी निकली हुई है। आईसी किस जगह पर रहता है वो थोड़ा सा बता दें। तो ये देख सकते हैं आईसी इसमें से निकली हुई है। आईसी आपको हम दिखा देते हैं, ये रही आईसी छोटी सी। तो ये आईसी है, यहाँ से आईसी निकली हुई है। इसको आप थोड़ा सा लगाइए, विदाउट आईसी के लगाइए इसको। तो अभी हम एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं कि सेट ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है, फिर नॉर्मल सेट को भी हम देख लेंगे। ये देखिए सब कुछ सेट हो गया है, अब इसमें बैटरी लगाना बाकी है। बैटरी लगा के इसको चार्ज लगाते हैं। चार्ज लगाइए और फिर देखते हैं कि सेट ऑन होता है या नहीं। ये देखिए इसका चार्ज लग गया है। ठीक है, तो सेट ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। एक बार साइड से क्लिक करके दिखाइए। ये देखिए साइड से बटन दबा के देखा जा रहा है, इसे चार्जिंग नहीं दिखाएगा। डेड जी जी, तो बिल्कुल ये ऑन ही नहीं हो रहा है। इसको हम दूसरे मोबाइल में लगा के देख लेते हैं।
तो यही चीज़ दूसरे मोबाइल में लगा के देखते हैं। तो इसको देखिए, ये सेट बिल्कुल सही है, इसमें देखते हैं ऑन होता है या नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये सेट जो है चार्ज होने लगा है। अब वहीं पर ये सेट है जो अभी डेट है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं और उसमें आईसी लगा करके अभी इस सेट को आप ऑन करके दिखाइए। देख सकते हैं अभी ये आईसी जो है लगाने का काम हो रहा है। ये देखिए, इस जगह पे ये जो आईसी है लगेगा और आईसी लगते ही सेट जो है ऑन हो जाएगा। उसको भी हम दिखाएंगे चार्ज में लगा करके। फिलहाल अभी आईसी जो है वो लगाने का जो है काम देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। तो इसमें फिर से क्या लगाएं भैया? अभी पेस्ट लगाए हुए हैं। अच्छा, पेस्ट लगाए हैं। पेस्ट लगाने के बाद से आईसी को फिर लगाएंगे। जी, तो ये देखिए आईसी इन्होंने उठाया और उस जगह पे ये सेट करने का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये आईसी उस जगह पे सेट हो गया, आईसी अपने जगह पे सेट हो गया। ये देखिए, देख सकते हैं कितनी बारीकी का काम है और कितना इसको बारीकी से किया जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया, हो नहीं गया अभी इसको। इसके बाद क्या करें? किया जाएगा। अच्छा, SMD से अभी सेट किया जाएगा, अभी हिट किया जाएगा इसको लगाने के बाद से। जी, तो ये देखिए SMD लिया इन्होंने और SMD के बाद ये हल्का हल्का IC को हिट कर रहे हैं जिससे वो अपनी जगह पे पूरी तरह सेट हो जाए। तो इसके बाद भी अभी कुछ करना है क्या? नहीं, ये आखिरी प्रक्रिया है। जी, ठीक है। ये इन्होंने छोटा सा फैन लिया और इस IC को ये ठंडा करने का काम करेंगे। ठंडा करने का कितने काम है, कितने सेकंड का? 5 से 10 सेकंड। 5 से 10 सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने छोटा सा फैन लिया और छोटा सा फैन लेने के बाद से ये IC को ठंडा कर रहे हैं। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड ये करेंगे, उसके बाद से जो इनका सेट है वो तैयार हो गया है। अभी भैया, ये जो आपका जो काम है पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। जी, जी। क्या लगता है, ये जैसे आप डैशबोर्ड मोबाइल के अंदर लगाएंगे तो सेट ऑन हो जाएगा? 100% ऑन होगा। कंफर्म है आप? कंफर्म, बिल्कुल। तो ये देखिए भैया, आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि ये जो डैशबोर्ड जैसे मोबाइल के अंदर लगाएंगे सेट ऑन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वो भी प्रक्रिया हम लोग। जी, तो ये देखिए इन्होंने डैशबोर्ड उठा लिया है और उसके बाद से ये जो है मोबाइल के अंदर सेट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि सेट ऑन होता है या नहीं। भैया तो पूरी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि ऑन हो जाएगा। ये देखिए, इन्होंने सारे पत्ते ये जोड़ दिए हैं। अब इस सेट को हम लोग चार्ज में लगा के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसमें। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए क्या बात है, इन्होंने सेट ऑन कर दिया है। मुश्किल, ये इन्होंने मांगा था 6 से 7 मिनट, लेकिन 5 मिनट के अंदर इन्होंने ये सेट ऑन कर दिया है। ये देखिए, ये सेट चार्ज भी हो रहा है और पूरी तरह ये सेट ऑन हो गया है। तो ये देख सकते हैं, ये सेट जो है ऑन हो गया है अभी। ये देखिए, बताना चाहेंगे नवीन सर के बारे में, और इतने कम समय के अंदर आपने 6 से 7 मिनट मांगा था, मात्र 5 मिनट के अंदर आपने सेट को ऑन करके दिखाया। सर, हमने पहले ही कहा कि नवीन सर की जो टेक्नोलॉजी ऐसी है, ठीक है ना, कोई भी IC लगाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, कोई भी कंपोनेंट चेक करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। इसे मतलब जो कभी भी कोई भी काम मोबाइल के बारे में नहीं जानता होगा वो भी यहाँ पे चला आएगा, तो इनके तरीके से वो अच्छा से अच्छा मोबाइल बना सकता है। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है। तो अपने बिहार से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, अपना राय बताइए उन लोगों को। उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि माइक्रो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट गोरखपुर का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें सभी सुविधाएं हैं। ठीक है, जल्द से जल्द यहाँ पर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग शुरू। जो स्टूडेंट हैं उनसे हम थोड़ा बहुत रिव्यू ले लेते हैं यहाँ के बारे में। ये भी शायद IC पे भी आप भी काम कर रहे हैं क्या? जी जी, IC पे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कितना दिन हो गया अभी आपको जुड़े हुए यहाँ से? 13 दिन। अच्छा, आपका नाम? पंकज कुमार शर्मा। जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से आप? सिवान से। जी, अच्छा, जिस तरह से भैया ने चैलेंज कंप्लीट किया है, क्या लगता था कि आप भी इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते थे? जी जी। अच्छा, मान लीजिए आपको ही उठाते तो आप कंप्लीट कर लेते हैं इस चैलेंज को? क्या, कितने मिनट के अंदर ये चैलेंज कंप्लीट करते हैं? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट में। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ के स्टूडेंट को पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम यदि बैठ गए उस चेयर पर तो हम IC जो रिवॉल्व करके लगा लेंगे मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर।
तो काफ़ी अच्छी बात है। और क्या कहना चाहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में कि जिस तरह से सिखा रहे हैं सर, मात्र 15 दिन के अंदर एडवांस लेवल का कोर्स है, क्या कहना चाहेंगे आप इंस्टीट्यूट के बारे में? जो सर बहुत अच्छा है, सर जी अच्छा सिखाते हैं जी सर। बिहार से जो लोग देख रहे हैं आपकी वीडियो को, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बिहार से जो लोग देख रहे हैं, जिनको जिनको भी सीखना है वो आकर सीख सकते हैं। जी जी पहले स्टूडेंट की तरफ हम लोग आते हैं, तो आपका शुभ नाम भैया? सैफ अली। सैफ अली कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार सिवान जिला। अच्छा, आप भी बिहार सिवान जिला से आए हुए हैं जी। क्या कर रहे थे अभी आप बैठ के? बैठ कर यही आईसी रिवॉल्व करने का काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, कितना दिन हुआ आपको आए हुए यहाँ? हमें भी 13 दिन हुआ आए हुए। 13 दिन हुआ जुड़े हुए। अभी तक आपने क्या क्या सीखा मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित? मोबाइल रिपेयरिंग के संबंधित सारा चीज सीख ही लिए हैं बस। हाँ। लगभग और कुछ चीजें बाकी होगी इसके तो बता देंगे सर। हाँ। अभी और अभी यही काम चल रहा है। इसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले हम पढ़ाई करते थे, अभी गर्मी की छुट्टी है तो 1 मंथ की। हाँ। तो सोचे कि एक काम कर ले, हम सीख ले थोड़ा छुट्टियों में, सोचे कुछ ना कुछ सीख लेते। हाँ। हैं तो बेहतर रहेगा जी जी। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में थोड़ा भी बहुत नॉलेज था कि नहीं? नहीं, कुछ भी पता नहीं था। हाँ। वो बस हमारे अब्बू इनको फेसबुक पर देखे हुए थे। अच्छा, न्यूज के माध्यम से जैसे आप बता रहे हैं, बना रहे वीडियो, इसी माध्यम से देख कर हम यहाँ पे आए। अच्छा, तो कैसा लगा इंस्टीट्यूट आपको? अच्छा है, बढ़िया है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। बिहार वाले भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार वाले भाइयों से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई लोग एक बार सेवा के मौका दिया जाओ नवीन सर के जी, कोनो परेशानी ना हुई बस। हमने पिछली बार वीडियो बनाया था उसमें तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इस बार तो और भी कम समय के, जैसे कई स्टूडेंट बोले हैं कि 6 से 7 मिनट लगेगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर उन्होंने ऐसे रिवॉल्व किया और लगा दिया। नितेश जी, क्या होता है ना कि हम लोग हर बार हर एक सीख से सीख सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें होती हैं तो उससे सीखते हैं और फिर उस पर मेहनत करते हैं। तो सिर्फ ये मेरा योगदान नहीं होता, हमारे बच्चों का, हमारे स्टूडेंट्स का भी योगदान रहता है कि वो मेहनत करते हैं, साथ में हमको सपोर्ट करते हैं, वो उतना ही मेहनत करते हैं जितना मैं मेहनत कराता हूँ। तो इस बार सारे स्टूडेंट जो थे वो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश होती है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में यहाँ पर चाहे इंडिया लेवल पे, मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में वो कनेक्टर लगाना सीखते हैं, लगाना और निकालना सीखते हैं। और आप देख सकते हो कि सारे स्टूडेंट जो 14 डेज में बता रहे हैं, और सिर्फ बता नहीं रहे, चैलेंज करके एक्सेप्ट करके दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर मेरे अंदर मुझे जो खुशी होती है वो कोई और अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि जो गुरु अगर शिष्य कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी खुशी सबसे ज़्यादा उसके गुरु को होती है। सही बात। हमारा ऑनलाइन भी कोर्सेज चालू होने जा रहा है। अच्छा, ऑनलाइन कोर्सेज वो 25 तारीख से स्टार्ट होगा। क्या बात, मतलब जो लोग दूर बैठे हुए हैं वो लोग भी आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि नितेश जी, आपके चैनल से मेरे पास दुबई से भी फोन आए कि हमें भी सीखना है, और सिर्फ दुबई से नहीं आया, बांग्लादेश से भी आया। अच्छा। और देश के चारों तरफ आप चूंकि अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं, तो देश के चारों तरफ से, देश के बाहर से भी मेरे पास फोन आए, कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो उस वक्त हमारे पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी, हमने बोला कि ऑफलाइन नहीं दे पाएंगे, आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा हमारे पास। वो थोड़ा सा निराश थे, तो मैं 25 तारीख से, इसी 25 तारीख से मैं ऑनलाइन की भी सुविधा चालू कर रहा हूँ, और बहुत कम फीस में उसकी भी ट्रेनिंग हम देंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो ट्रेनिंग देंगे हम बहुत ही कम फीस में, मैं आपके सामने अनाउंस करने जा रहा हूँ कि मात्र 6,000 रुपये में, 6,000 में हम ऑनलाइन की ट्रेनिंग एडवांस लेवल पे देंगे। क्या बात, मतलब घर बैठे आप 6,000 रुपये में एडवांस लेवल का मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखिए। क्या बात है। तो दोस्तों देख सकते हैं, आप लोगों के लिए एक नया धमाका और नया ऑफर आप लोगों के लिए था कि 6,000 के अंदर घर बैठे आप देश विदेश में कहीं भी हो, आप लोग ऑनलाइन भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। ठीक है, अभी आने की भी जो जरूरत नहीं है। चाहते हैं यहाँ का थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये ऑफलाइन की जो कोर्सेस है वो नेक्स्ट बैच हमारा 20 तारीख से चालू होने जा रहा है। 20 तारीख से चालू हो जाएगा, मतलब 19 तारीख तक आप एडमिशन के लिए आप यहाँ आ जाए, और 20 तारीख से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कोर्सेस। आपको जिसको भी आना है, जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर आना है, तो ये एड्रेस, हर शहर में एक सरकारी हॉस्पिटल होता है उसका नाम सदर हॉस्पिटल होता है, तो आपको बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, वहाँ बोलेंगे कि मुझे सदर हॉस्पिटल रेती रोड जाना है, आप कोई भी ले लाकर आपको छोड़ देगा सदर हॉस्पिटल रेती रोड, वहाँ पर आकर मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस है, कोई भी जाकर आपको रिसीव कर लेगा और हमारे स्टूडेंट में आएगा। बिल्कुल, तो दोस्तों यहाँ का जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, प्लस स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा यहाँ का नंबर,
आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो उन छात्रों तक शेयर करिएगा जो जिनका जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो चुका है, जो जिन्होंने 12th जो क्वालिफाई करके अभी आराम कर रहे हैं घर पे, तो उन तक ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो भी कुछ ना कुछ आपके माध्यम से सीख सकें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।